Everyone knows very well that the 21st of March LTS exam has been cancelled, and students worry how to reschedule their exam date. So in this video, I am going to share with you how to reschedule your exam date. सो आपको कैसे करना है, कौन सा प्रोसेस करना है, किस डेट से पहले आपको अपनी LTS की डेट को चूज करना है, तो उसके लिए इस वीडियो को टिल द एंड वॉच करो. देन इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. नॉट ओनली दिस बट आल्सो यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम एज वेल फॉर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टूडेंट का एग्ज़ाम था 21st ऑफ मार्च का, उनको एक मेल आया होगा सबको, जिन्होंने भी फिल किया IDP आर्बिटर्स काउंसिल, सबको एक मेल आया होगा. उस मेल में एक लिंक होगा, आपको उस लिंक से जाके डायरेक्टली अपने एग्ज़ाम की डेट रीस्केड्यूल करनी है, और 24th ऑफ मार्च से पहले आपको अपने एग्ज़ाम की डेट बुक करनी है. बिकॉज अगर इससे लेट हो गया तो आप ये डेडलाइन डेट है, इसके बाद आप अपने एग्ज़ाम की डेट बुक नहीं कर सकते. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो ईमेल है उसको चेक कीजिए और उसमें लिंक पे क्लिक कीजिए. देन लिंक पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाए पेन पेपर वेस्ट है या फिर आपका एग्ज़ाम है कंप्यूटर वेस्ट. अकॉर्डिंग टू योर जो भी आपने फिल किया है उसके अकॉर्डिंग आप अपना चूज करो. देन आप अपने रिस्केड्यूल जो डेट है एग्ज़ाम की उसको करो. आप अपनी मर्जी से अपनी कोई भी डेट चूज़ कर सकते हो. तो ये काफ़ी ज़्यादा कंपल्सरी है. अगर आपने किसी से फिल करवाया है अपना एग्ज़ाम, लाइक अपने इंस्टीट्यूट से करवाया है या फिर इंटरनेट कैफ़े से कहीं से भी करवाया है, तो आप उनको भी कह सकते हैं, बिकॉज़ उन्होंने अपनी खुद की ID दे रखी होती है आपके एग्ज़ाम में. सो आपके एग्ज़ाम का मेल उनको भी आ सकता है. उनको इमीडिएटली बोलो कि उस लिंक को चेक करो. देन उसको चेक करने के बाद उसमें अपने एग्ज़ाम की डेट फिल करो. सो इसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा मनी पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपसे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा. आप जो ऑलरेडी फिल कर चुके हों वही आपकी फ़ीस आपकी एग्ज़ाम में एक्सेप्ट की जाएगी. बहुत से स्टूडेंट बोल रहे हैं जिनकी स्पीकिंग ऑलरेडी हो चुकी है, उनकी स्पीकिंग वंस अगेन होगी, ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं. अदर बिकॉज अभी हम एक नई डेट लेने जा रहे हैं एग्ज़ाम की, तो उनकी स्पीकिंग दोबारा होगी. आप अपनी प्रैक्टिस करो. तो अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लेनी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे ले सकते हो, और स्पीकिंग के लिए मैं आपको टॉपिक दे दूंगी. आप उसके लिए आप मुझे अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके भेज सकते हो. तो इमीडिएटली अपने एग्जाम की डेट बुक करो 24th और मारे, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, आपको अदर चांस नहीं मिलेगा. तो अगर आपको नहीं फिल करना आता खुद से, आपका आपके ईमेल से आपको खुद से नहीं फिल करना आता, तो आप किसी से करवा सकते हो. सो अपने आप को सेफ़ रखो, अपने नेबर्स को सेफ रखो. और कल जैसे आप सब जानते हैं 22nd को कर्फ्यू है, तो गवर्नमेंट ने जैसा रूल बनाया है उसको फॉलो करो. उससे ही देन शांति क्रिएट होगी हमारे नेशन में. उससे ही हम गेट रेड कर सकते हैं इस लीथल डिजीज़ कोरोना वायरस से. सो आप अकेले ही परेशान नहीं हैं, बहुत से और बच्चे हैं जो 12th और 10th के हैं, उनके भी एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं, उन्हें फिर से एग्ज़ाम देने होंगे कुछ. तो इसके लिए आप सब शांति क्रिएट करो और बहुत जल्द इसका सोल्यूशन आएगा. तो बस आप अपने एग्ज़ाम की डेट जितनी जल्दी हो सके बुक करने की कोशिश करो. अदरवाइज आप मुझसे कोई भी हेल्प ले सकते हो. इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो, लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में.